100% सिलेक्शन। ब्लड रिलेशन वाला नहीं दिया आंसर यूट्यूब पे, वो अपलोड नहीं किया। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जूम करने पे दिखाई दे रहा है सर, जूम करते हैं हम तक। हाँ तो दो नंबर क्वेश्चन, आप भी सर थोड़ा जूम कर दीजिए, इसीलिए तो इस टाइम बोले थे जूम। हाँ हम लोग जूम कर लेते हैं ना, जूम कर लेते ना, खाली क्वेश्चन दिखता है फिर बोर्ड छोटा हो जाता है ना भाई। हाँ भाई इसी तरह सर को बोले हैं। तो मेरे को जूम करने, हम फोटो खींचे थे इसका पीडीएफ सही तरीके से बना। सर जूम मत कीजिए, जूम करने पे क्लियर नहीं आ रहा है। अब आया, हम लोग जूम करके देख लेंगे सर। आप बोल दिया, बोल दीजिए कि हो गया सर, हो गया हो गया। चलो इसको इधर कर देते हैं। अब दूसरा सर ऐसा रीजनिंग बीएससी वाले को भी आएगा? अरे सबका आता है रीजनिंग, 40 नंबर का इस बार पूछेगा, मतलब 40 जीके रीजनिंग लाकर 40 नंबर सबका, बीए बीएससी बीबीए बीसीए। इस बार का पैटर्न पूरा चेंज किया है ना, दूसरा अभी तक पैटर्न बताया भी नहीं है। पैटर्न यदि बता दे तो फिर तो और इंतजाम हो जाएगा। एक व्यक्ति पूर्व की ओर, यहाँ पे लिख लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व है इधर, तो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर ठीक है। पूर्व की ओर पहले, सबसे पहले पूर्व की ओर चलता है 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर, यहाँ पर देखो, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं नॉर्थ में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर क्या करता है कि बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर दाएं इधर बाएं, तो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? सर वेस्ट में, वेस्ट में, मतलब वेस्ट में सर, वेस्ट में, पश्चिम, समझ गए? यस सर। अरे नहीं समझो तो बोलो, हम अच्छे से समझाएंगे तुम लोग। समझ गए सर, समझ गए, समझ गए, समझ गए सर, ये तो है, समझ गए सर। हाँ तो तीसरा देखो, नॉर्थ होगा भाई, कैसे यार? अरे नॉर्थ नहीं होगा, वेस्ट होगा, वो वेस्ट होगा राकेश। अच्छा देखो तुम, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, जब देखते जाओगे समझते जाओगे। राकेश उत्तर की ओर 7 किलोमीटर यात्रा करता है, राकेश उत्तर की ओर 7 किलोमीटर यात्रा करता है, उत्तर की ओर यात्रा करता है मतलब उत्तर की ओर जाता है, तो देखो राकेश उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर 7 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, उत्तर की ओर सेवन किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। आंसर 10, यहाँ पे बनाओ 7 किलोमीटर उत्तर ऊपर ऊपर की ओर गया, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर क्या करता है, वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब दाएं तो इधर हो गया, इधर क्लॉक वाइज दाएं, तो बाएं बोला तो एंटी क्लॉक वाइज, सर इधर से इधर इस तरफ, हाँ कितना, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह फिर से दाई और मुड़कर 7 किलोमीटर दाई और मुड़ जाता है, 7 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी, कितने सर, ये साउथ की तरफ लाएं सर, नॉर्थ की तरफ जाता ना, दाएं बोल रहा, दाएं मुड़ता तो ऊपर जाता ना सर, क्लॉकवाइज, पिछला वाला भी क्वेश्चन है सर, हां समझ गए, समझ गए सर, क्या ये किसी को नहीं, तो इससे इन दोनों सर दाएं बाएं कैसे मुड़ते हैं, नहीं समझ। हाँ सर एक बार सर, दाएं मतलब राइट होता है या लेफ्ट होता है? आप देखो 10 किलोमीटर हुआ ना सर, तीसरा का आंसर 3 हो गया। एक्सक्यूज मी सर, हेलो, हाँ सर समझा रहे हैं, 3 किलोमीटर सर, दाएं मतलब वो लेफ्ट होता है या राइट होता है इतना बता दीजिए। दाएं राइट, अगला दाएं मतलब राइट 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 राइट, अब चुप रहो, समझाते हैं ये वाला क्वेश्चन फिर से समझाते हैं, वो वाला फिर से समझाते हैं, समझ गए तुम लोग को कहाँ पे दिक्कत हुआ। अब देखो यहाँ पर राइट और लेफ्ट मिस्टेक होता है सर, राइट राइट और लेफ्ट, बोलो राइट हुआ दाएं, लेफ्ट हुआ बाएं, ठीक है ओके सर। क्लॉकवाइज लिख लो पहले, क्लॉकवाइज दाएं और एंटी क्लॉक
एंटी क्लॉक हो गया बाएं, ठीक है। ये दो चीज, ये दो, ये चीज और ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं नहीं रुकेगा। तीसरा देखो, राकेश उत्तर की ओर 7 किलोमीटर यात्रा करता है, राकेश उत्तर की ओर 7 किलोमीटर यात्रा करता है, उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दी, ठीक है, समझ गए ना सर, यहां तक क्लियर है। फिर वह दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाई ओर मुड़कर, तो दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, दाई है ना, यस सर, यस सर, अब सही है, दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो दाई ओर मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, यस सर, 3 किलोमीटर चला क्लॉकवाइज, फिर वह दाई ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, फिर यदि तो दाई दाई और चलेगा, तो दाई कैसे होगा, क्लॉक वाइज, यहाँ पे कोई चीज है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई आदमी है, तो क्लॉक वाइज कैसे होगा, घड़ी कैसे चल रही है, ऐसे ऐसे दाई हो गया क्लॉक वाइज, तो दाई और नीचे की तरफ, नीचे नीचे की तरफ, साउथ की ओर, साउथ की ओर, ठीक है। तो अब बोलता है इधर 7 इधर 7, तो प्रारंभिक दूरी से कितने दूरी पर है, तो ये कितना हुआ आपका 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर सर, 3 किलोमीटर ही होगा, हाँ 3 किलोमीटर बराबर है, इक्वल। आप देखो अगला क्वेश्चन, नहीं नहीं सर, 2 नंबर बनाइए फिर से, चलो 2 नंबर देखो, 2 नंबर देखो, राकेश उत्तर की ओर 7 किलोमीटर यात्रा करता है, सर आगे समझ आएगा, बढ़ाइए ना, ऊपर वाला एक व्यक्ति पूर्व में 2 किलोमीटर चलता है, हाँ भाई वो भी एकदम सर को क्लियर, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर क्या चला 2 किलोमीटर, ठीक है ठीक है, फिर वह बाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो इधर हो गया दाएं, इधर हो गया बाएं, बाएं 2 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो इधर हो गया दाएं, इधर हो गया बाएं, बाएं 2 किलोमीटर चलता है, तो किस दिशा की ओर, तो पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक, तो था ये वाला, अभी कंफ्यूजन है सर, सर समझ नो सर, नो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर, नो प्रॉब्लम सर, नेक्स्ट, अब आ जाओ, प्रॉब्लम लिखा हुआ है, चौथा नंबर प्रॉब्लम पे आ जाओ, चौथा प्रॉब्लम, चंदन अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है, नॉर्थ में क्या करता है, 20 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है, ठीक है, पहले 20 किलोमीटर नॉर्थ चलाओ इसको, ठीक है, यस, अपने बाई ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलकर, तो दाई बाई सर, वेस्ट में, उत्तर वेस्ट में, ईस्ट, ईस्ट में, वेस्ट में ब्रदर, हो गया बाई, दाएं कहे, दाएं कहे तो क्लॉक वाइज, बाएं कहे तो एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, यस सर, अभी भी लगता है आधा लड़का समझ से बाहर हो रहा होगा, तो 20 किलोमीटर नहीं सर, आप समझ, अपने बाई ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलकर पुनः बाई ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, पुनः सर फिर साउथ में आ जाइए, बाई ओर, तो दाई तो इधर हो गया, बाई इधर हो गया, बाई इधर हो गया, साउथ 40 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर चलता है क्या, ठीक है, बाई ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, अंत में दाई ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, अंत में दाई ओर मुड़कर सर फिर राइट की तरफ आ जाइए, तो राइट कैसे होगा, इस बार ऐसे होगा, इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा ना जी, पश्चिम दिशा की ओर, यस सर, यस सर, तो यहाँ पे लास्ट में कितना चला है आपका 20 किलोमीटर ना, यस सर, तो 20 किलोमीटर, आंसर क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 40 और 20, 60 किलोमीटर, पश्चिम 60 किलोमीटर और पश्चिम वेस्ट, आ गया सर, वेस्ट आ गया समझ में सर, 60 सर, सर सुनिए ना, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, वो 20 किलोमीटर जो आप एक्स्ट्रा में ले किए ना, ये 40 से, हाँ उसी को ऐड किए, 40 20 60 हुआ ना, इधर से यहाँ से यहाँ तक 40 चला, फिर इधर 20 चला, 60 क्या, पहले तो 40 पूरी है ही है, फिर 20 पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो ना, दो जगह पे घूम रहा है वेस्ट की तरफ, हाँ
दोनों मिला के 60 किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, चार हो गया ना, पांचवा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, साउंड रुक रही है। रुक जाओ, सॉरी, अब क्लियर है? यस सर, यस सर, जी हाँ, यस सर, क्लियर है सर। आ जाओ पांचवा नंबर सवाल, आ जाओ। चंदू अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, अभी भी देखो क्लास करने आ रहे हैं लोग जी। जी सर, मत एक्सेप्ट कीजिए। अब देखो पांचवा नंबर, पांचवा होगा ना, चंदू अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर दिशा, कौन है यार? लाल माइक ऑफ करो ना। चंदू अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद, तो सबसे पहले उत्तर दिशा में हम आदमी को चलाते हैं, नॉर्थ की ओर। उत्तर दिशा में आदमी चला 12 किलोमीटर, ठीक है ललू जी, ठीक है। अब 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो दाएं सरजी इधर और बाएं सरजी इधर हो जाएगा। यस सर। तो 5 किलोमीटर चला, ठीक है, तो बताएं उसके घर की कम से कम दूरी क्या होगी। अब बताओ ज्ञानी पुरुष, देखते हैं कि कितना इसका माइंड कितना शार्प है। 12.5 सर। मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि चंदू बाबू के घर का सर और इस जगह का क्या डिस्टेंस है? 12.5 क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे। हां भाई हो गया, यही डिस्टेंस। यस सर, 5 का। आ जाओ, क्या समझेगा अब? इतना लेट हाइपोटेनियस वाले मतलब इतना लेट से आएगा तो क्या समझेगा? न्यूनतम दूरी पूरी दिया स्थापन। आ जाओ पटना यूनिवर्सिटी बता भी दे, तब तो ऐसे ऐसे एग्जाम लेंगे तो कुछ उपाय लगाया जाए, बता भी नहीं रहा ना। मैं लास्ट में बताएगा सर, एक महीना पहले बताएगा। नहीं, अप्लाई के टाइम के बाद तो बता देगा क्या लेगा कैसे लेगा, देखो ना पहले मैं 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। मैं देखो अंत में मैंने पाया कि मेरा मुंह उत्तर दिशा की ओर है, बताएं मैंने यात्रा की दिशा से प्रारंभ की थी। सर क्वेश्चन फिर से बोलिएगा। मैं 6 किलोमीटर चलने के बाद, अब देखो 6 किलोमीटर चला, तो ये 6 किलोमीटर सब देखो, ये क्वेश्चन बनाओ, सब देखते हैं क्या बनाते हो। यस सर। छठा नंबर सवाल बनाओ तो होशियार लोग। सर जरा क्वेश्चन बोलते हैं, देख नहीं रहा है क्या? लिख दीजिए क्वेश्चन, बोल दीजिए। रुक जाओ, इसका उपाय किया जा रहा है, व्यवस्था किया। ऊपर लिख दीजिए सर। अरे आज रात उनके आंसर बोलने वाला है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसको। रुको, क्वेश्चन को बोल दे। रुकिए सर, लिख दीजिए। मैं 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। मैं 6 किलोमीटर चलने के बाद, 6 किलोमीटर चलने के बाद, चलने के बाद, चलने के बाद दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। पुनः बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी चला।
अंत में मैंने पाया कि मैं उत्तर दिशा की ओर हूँ। तब देखो भाई मेरे, पहले 6 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर नॉर्थ होगा सर, इसका नॉर्थ 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 होगा सर। अब देखो कि 6 किलोमीटर चलने के बाद 2 किलोमीटर दाएं मुड़ा, ठीक है, फिर अंत में बाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ा, तो अंत में बाएं मुड़कर कितना चला है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो अभी उसका जो मुंह है वो उत्तर की ओर है। यदि ऊपर वाला उत्तर है, उत्तर है, तो नीचे क्या होगा, साउथ, इधर क्या होगा, इधर होगा वेस्ट। तो चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था, नॉर्थ से। चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था, नॉर्थ से सर, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर जो चला, साउथ से, साउथ से सर। अरे नॉर्थ है भाई, अरे चलना किधर से शुरू, साउथ से चलना शुरू किया ना, नॉर्थ की ओर गया। किस दिशा से प्रारंभ की थी, तो साउथ से, चलना शुरू किधर से किया सर, नीचे से चलना शुरू किया है साउथ से। हाँ, नॉर्थ की ओर था सर, आ गया। अरे मुंह तो भाई नॉर्थ की ओर ही था ना, वही तो हम भी बोल रहे हैं। अरे तो नॉर्थ की तरफ, अरे भाई साउथ की तरफ जाएगा तभी तो नॉर्थ तक पहुंचेगा। सर को समझाने दो, एक बात समझाओ, फिर से समझाइए, नॉर्थ लग रहा है। देखो एक बात समझाओ, ठीक है, मेरा घर मखनिया कुआ में है, नहीं ऐसे नहीं, देखो नहीं सर ऐसे नहीं समझो, कैसे एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल करो को, हाँ बताओ, मेरा जो घर है बाबू, बीएन कॉलेज के अपोजिट है, बीएन कॉलेज के अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है, अपोजिट है, बीएन कॉलेज पूर्व दिशा में है, यस, तो मेरा घर किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा, पश्चिम होगी सर। अब सर, अब ये आप बोल भी सकते हो सर, दोनों तो पूर्व दिशा में भी तो हो सकता है सर, ये आपका घर सर है, ये बीएन कॉलेज सर, दोनों तो पूर्व दिशा में है, ये भी तो बोल सकते हो, आपके हिसाब से सर दोनों तो पूर्व दिशा में है, बीएन, हम बोले कि बीएन कॉलेज के अपोजिट है, तो बीएन कॉलेज के अपोजिट है, और दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे कि बीएन कॉलेज पूर्व दिशा में है, तो मेरा घर किस दिशा में होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा, तो आप अपोजिट बोले ना सर, इसीलिए ना बोले, तो यहाँ सर, तो हाँ, तो यहाँ पे भी तो वही है, वही यहाँ पर भी तो सर की किस दिशा से चलना प्रारंभ, सर यहाँ पे होगा कि बीएन कॉलेज के स्टार्टिंग पॉइंट बीएन कॉलेज, बीएन कॉलेज के सापेक्ष, अरे यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा घर है और तुम जा रहे हो बीएन कॉलेज की तरफ, यहाँ है, हाँ यही बात है सर, ओके सर समझ गए, किस दिशा से प्रारंभ में देखे, किस दिशा से प्रारंभ की थी, किस दिशा से प्रारंभ, अभी तो वो उत्तर की ओर है, पर किस दिशा से प्रारंभ की थी वो सवाल पूछ रहा था। आ जाओ सातवां नंबर, यस सर, सातवां नंबर सवाल सर, बोल दीजिएगा, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, नहीं समझ में आया सर वो वाला, कहाँ से शुरू किया सर, देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं छह, अच्छा सुनो सुनो, मैं 6 किलोमीटर चला, तो चला किधर से चला ये तो अभी नहीं बताया मेरे दोस्त, चला, हाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है कि किधर से चला 6 किलोमीटर, हम यही बोल देते हैं कि 6 किलोमीटर दक्षिण से चला, तब तो क्लियर हो जाता, मैं 6 किलोमीटर किसी एक डायरेक्शन से चला, यस, किसी दिशा से 6 किलोमीटर मैं चला, किसी दिशा से चला, ठीक है, वो पता नहीं है, एक्स दिशा से 6 किलोमीटर चला, अब देखो 6 दाएं मुड़ा तो 2 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला किसी दिशा से, तो 6 किलोमीटर आगे आए, फिर 2 किलोमीटर चले, अब फिर बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, तो 16 किलोमीटर अब जो हम आ गए, अब जो आ गए वो हम उत्तर दिशा की ओर आ गए, यस, ठीक है, अब जो आ गए, अब जो हम आ गए, अब हम आ गए उत्तर दिशा की ओर, तो हम बताओ कि हम कहां किस दिशा से चलना शुरू किए थे, हाँ किस दिशा से, हम किसी साउथ से स्टार्ट किए, किसी दिशा से चलना शुरू किए, अब मेरा मुंह उत्तर की ओर है, तो हम किस दिशा से शुरू किए थे, सर साउथ से नॉर्थ गए, साउथ से नॉर्थ गए, कंफ्यूज करोगे तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कर जाओगे, साउथ से साफ नजर पर आया कि साउथ से हम लोग शुरू किए थे, अब हम लोग उत्तर की ओर चले गए,
ब्लड रिलेशन में मैप के हिसाब से भी समझ सकते हैं सर, बिल्कुल समझ हिसाब से, जैसे अपना साउथ इंडिया है ऊपर साउथ इंडिया। हाँ बताओ ये भाई साहब ज्योग्राफी लेकर आए कितना बढ़िया बताओ। ऊपर साउथ इंडिया है, नहीं, नीचे अब देखो देखो क्या कहा जाए। अगला सातवां नंबर क्वेश्चन जो है जरा सा उल्टा क्वेश्चन है, तो ये भी आप करने की कोशिश करो। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, इसी तरह परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम दिशा का नया नाम क्या हो, ठीक है। अब क्या कहा, अब क्या कहा जा रहा है देखो, पहले मैप बनाओ। तो इसको क्या नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ yes. बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहा जाए, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इधर वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ इसको सर नॉर्थन ईस्ट, नॉर्थन ईस्ट बोलते हैं, साउथन ईस्ट इसको क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको वेस्टर्न साउथ, उसको नॉर्थ एंड वेस्ट, इसको ऐसे। अब इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोलते हैं ना, ये सब डायरेक्शन है, बोलता है शादी, हाँ, मालूम शादी में बोलता है, तो बोलता है दसों दिशाएं, मंत्र में पंडित जी पढ़ते हैं ना, हाँ वो यही दसों दिशाएं, नहीं ये आठ दिशा कितना हुआ, ऊपर नीचे सर, ऊपर नीचे सर, दस हुआ ना सर। अब ये क्या उत्तर पश्चिम, ये हमारा दिशा हुआ। अब बोल क्या रहा है, पहले देखो कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ये दक्षिण पूर्व यही है ना, दक्षिण पूर्व कौन है, दक्षिण तो दक्षिण पूर्व सर साउथ ईस्ट, ये दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, उत्तर नॉर्थ, नॉर्थ कहा जाए, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व को, अगला क्या कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व को पश्चिम, ये उत्तर पूर्व है, इसको पश्चिम क्या कहा जाए, इसको कहा जाए इस कलर से करो, इस कलर से करो, इसको ये कहा जाए, ठीक है, समझ गए। और इसी तरह परिवर्तन जारी रहे, इसी तरह परिवर्तन जारी रहे, तो अब देखो नॉर्थ, दूसरा कलर फिर यूज करो। अब देखो सर जी, तो नॉर्थ वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण, ईस्ट बोलेंगे सर, साउथ बोलेंगे, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। अब देखो सर जी, अब साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे, वेस्ट, साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, जी यही बोलेंगे। तो बताओ बताओ कि पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा को क्या बोलेंगे, तो पश्चिम दिशा का नया नाम क्या होगा, पश्चिम दिशा का नया नाम आपका क्या होगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट सर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, तो दक्षिण दिशा का नया नाम क्या होगा, सोचो हम इतना बता दिए, तुम लोग करो, हम बताते हैं, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, पश्चिम का साउथ ईस्ट होगा, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व होगा, साउथ वेस्ट, वही तो साउथ ईस्ट सर, साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व इसका कहां गया, दक्षिण पूर्व इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब कंफ्यूज कर गया इसमें, देखो बोल रहा है एक एक छोड़ कर, एक एक छोड़ कर यदि सबका नाम चेंज कर दिया जाए, एक एक छोड़ कर, जैसे क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये एक सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बहुत आएगा तो दो किलोमीटर पांच किलोमीटर बीच में एक सवाल ये आ गया है, तो आपको हम करवा दे रहे हैं। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, तो ये दक्षिण पूर्व है, ठीक है, इसको एक क्या कहा जाए, एक स्टेप, एक दो को छोड़कर पूरब कहा गया, कहा गया ना, देखो भाई मेरे ये सर समझ गए, समझ गए ना, ओके सर, क्या हो रहा है सर, एक एक छोड़कर बढ़ रहा है, दो छोड़ के बढ़ रहा है,
सिस्टम हैंग करता है या ऐप हैंग करता है समझ ही नहीं आता है। सर सिस्टम हैंग नहीं करता होगा, ऐप ही हैंग करता होगा, प्रॉब्लम लैग हो गया। हाँ लैग कर रहा है, सही बात है, रिकॉर्डिंग चालू जो होता है इसके घर ही को हटा हाँ, तो पहले इसीलिए लैग कर रहा है। अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो फिर से इसको हम बताते हैं, अब की बार समझ जाओगे। एक एक क्वेश्चन को जब तक आराम आराम से नहीं समझोगे ना, आराम आराम से पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं उड़ाते चले जाते हैं। आराम आराम से, कोई काम थोड़े तुम लोग को, कोई काम नहीं तो सब तो मेरे जैसा बेरोजगार ही हो। अब देखो भूख लग गया सर, क्या सब बेल रहे हैं सर, सब भूख लगा हुआ है। ईस्ट खा लो, ईस्ट वेस्ट ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो? नहीं सर, इसमें कंफ्यूज कहां से, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको? हां यस सर। इसको क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट? साउथ बोलते हैं, साउथ वेस्ट। इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब क्या बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, मतलब कि इसको उत्तर बोला जाए, इसको उत्तर बोला जाए। देखो दो वो को छोड़ को एक आ गया, यस सर। फिर क्या बोल रहा है, अरे सत्यम सत्यम माइक बंद करो यार, गाना क्यों सुनवा रहे हो? कौन सुनवा रहा है? ओ उत्तर सत्यम सर, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। आधा लड़का जो एकदम करेगा ना, शांति से करेगा ना, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा। दो वो को छोड़कर फिर तीसरा आ गया, ठीक है। तो देखो पश्चिम दिशा का नया नाम क्या होगा, तो एक दो, एक दो को छोड़कर ये पश्चिम दिशा का ये तीसरा नया नाम होगा, ये दो को छोड़कर तीसरा नया नाम यही ना होगा, साउथ ईस्ट। यस सर, यस सर, नॉर्थ वेस्ट सर, साउथ का नॉर्थ वेस्ट सर। हाँ सर, अब सर इन लोगों को चुप करने ना, इन लोगों को समझ में आ रहा, पकड़ पकड़ के लिए सब। अब देखो क्या? अरे चुप रहो, अब ये सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये। इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैसे है यार, देखो साउथ ईस्ट को देखो फिर से समझाते, इतना आसान है फिर, इतना आसान से तो है। देखो क्या हुआ, एक एक देखो, इधर इसको उत्तर बोलते हैं, इसको हाँ ना, जिसको समझ में नहीं आ रहा ना वो, बाकी जिसको समझ में आ गया वो अगला क्वेश्चन आठ नंबर बनाओ, आठ नंबर दिखाई दे रहा है तो उसको बनाओ तुम लोग साइड में। इसको उत्तर okay, इसको उत्तर बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, अरे हाँ ना तो बोलो, तब तो देखो समझ रहे हो। यस सर, इसको उत्तर बोलेंगे, ये उत्तर, इसको पूर्व बोलेंगे, इसको पश्चिम बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखते हो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हुआ, इंडिया में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हो रहा है, या नॉर्थ ईस्ट ट्रेन जा रही है, नॉर्थ वेस्ट जा रही है, तो ये yes, जो sir. ये जो हमारा है, ये जो हमारा है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, yes, sir. ये क्या है, साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट, और ये क्या है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये समझ गया। अब ये आप समझ गए तो इसके बाद बोला क्या जा रहा है, उस भावना को समझो कि बोल क्या रहा है कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, यही बोल रहा है ना, कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, मतलब इसको इसको क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए, इसको उत्तर कहा गया है, इसको उत्तर कहा गया है, साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट को क्या कहा गया है, उत्तर कहा गया है, मतलब यहाँ देखो नॉर्थ कहा गया है, यहाँ देखो कि दो स्टेप को छोड़कर तीसरा बोला जा रहा है, इन दोनों डायरेक्शन को छोड़कर तीसरा बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो फिर क्या बोलता है, उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, इसको उत्तर पूर्व को क्या बोला जा रहा है, पश्चिम बोला जा रहा है, तो इसको क्या बोला जा रहा है, पश्चिम बोला जा रहा है, वेस्ट बोला जा रहा है, तो यहाँ भी देखो दो को छोड़कर तीसरा बोला जा रहा है, यहाँ भी दो को छोड़कर तीसरा बोला गया, यहाँ भी फिर दो को छोड़कर तीसरा बोला गया, तो बोलेगा कि अगला क्वेश्चन आपसे किया कि वेस्ट को, वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यही बोला है ना कि पश्चिम, पश्चिम दिशा को हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, तो एक दो साउथ ईस्ट,
तो एक दो को छोड़, एक दो को छोड़ कर तीसरा ये आंसर हो गया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट अब समझ में आया, ये आंसर आ गया। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 470 मीटर। हाँ 470 आएगा। 470 मीटर। 470 अच्छा कितने लोग वो क्लास में 53 में मात्र 4-5-6 लोग सही से जवाब मतलब कि बनाते हो, बताओ यार कैसे दुनिया चलेगा। सब सर आ गया, कारी लड़का है सर, बोलता नहीं है, हल्ला नहीं करता है, बनाता सर, बोलता है। अरे सर सा है सर, सा है सब, कोई शर्माता है आपसे इसीलिए हल्ला होने लगता है, इसलिए सब नहीं बोल पाते। सही बात है। हाँ सर, प्रमोद भाई से कोई शर्माता है। उत्तर की ओर 30 मीटर चला परमु, सही नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ 30 किलोमीटर चलाओ पहले इसको। मेरा 40 मीटर आया सर। 30 मीटर चला, फिर बाई, मेरा भी सर 40 ही आया। फिर सर फिर वेस्ट की तरफ घूमेगा 40 मीटर, मुड़कर 40 मीटर चला। तो सर दाएं कहेंगे तो क्लॉकवाइज, बाएं कहेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये सर इस साइड आ गया। अब इसके बाद कितना चला इस साइड, 40 किलोमीटर मीटर जो किलोमीटर मीटर। फिर बाई और मुरा और 500 मीटर चला साउथ की तरफ, 500 मीटर नीचे की ओर, नीचे की ओर बाई, यस सर, बाई और मुरा और 500 मीटर चला, ठीक है। और फिर ईस्ट की तरफ 40 मीटर। हाँ ईस्ट की तरफ। ठीक है सही। अब देखो 500 मीटर चला तो यहां से यहां 30, तो ये वाला कितना हुआ 470। ठीक है, फिर पांच, फिर बाई और मुरा 40 मीटर चला तो यहां से ईस्ट की तरफ, यहां से बाई और मुरेगा, यहां से आपका बाई और मुरेगा तो ईस्ट की ओर मुरेगा। यस यस सर। और कहां चला है ये, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ सर, ये वेस्ट की तरफ हो गया ना सर, ईस्ट की ओर, हाँ ईस्ट साइड हुआ। अब 40 किलोमीटर चला, ठीक है, बाई और मुरा 40 किलोमीटर आपका चला, ठीक है। आरंभिक बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है, ठीक है। हाँ। तो ये 470 मीटर तो साफ नजर पड़ रहा है आपको। यस क्या 470। अब इसमें भी कंफ्यूज किए लोग। नहीं सर, सबसे इजी था, आमने सामने इक्वल हो रहा है सर, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है। अब आगे बढ़े। हाँ सर, सर मोड़ देखने से यही नहीं पता चलता सर, बार बार मोड़ देते हैं कभी इधर कभी उधर। अरे तो सब शुरू में तो बताया है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक और एंटी क्लोज का आपको तो हथियार दे दिए, दाएं बोले तो क्लॉकवाइज बुलाते हैं। यहाँ तक समझ में आता है सर, फर्स्ट टर्न तक समझ आता है, सेकंड टर्न के बाद नहीं पता चलता है। अब कहे ना सर, डायरेक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है बहुत स्टूडेंट को, इसको राइट लेफ्ट मालूम नहीं है। हाँ अब तुम जो बोल लो उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम ही है ना। अच्छा क्वेश्चन करो, चुप चुप रहो, अब बताओ, अब मेरे को दाएं बुलाओ तो तुम लोग दाएं घुमाओ, किधर जाएं क्वेश्चन की तरफ, लेफ्ट साइड। अब हम क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज दाएं घुमा, ये तो क्लॉकवाइज, इधर बताओ। अच्छा एक सुनो सुनो, इधर देखो ए लिखा हुआ है, इधर बी लिखा हुआ है, ठीक है, इधर ए है इधर बी है। यस सर, माइक ऑफ करो यार, ए है बी है। अब बोलो, अब यहाँ हम जा रहे हैं आगे, अब दाएं मेरे को घुमाओ, ए की ओर या बी की ओर, ए की ओर, ठीक है। तो दाएं हम बोले बाबू आपको घुमाने के लिए, तो हम क्लॉकवाइज में गए, दाएं गए तो क्लॉकवाइज में, ए की ओर गए। अब यहाँ से फिर मेरे को दाएं घुमाओ, यहाँ पे मेरा ए की ओर, एक यहाँ से दाएं घुमाओ, तो क्लॉकवाइज यहाँ पे कैसे जाओगे, तो नीचे की साउथ की ओर, साउथ की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब बोलेंगे कि यहाँ से फिर मेरे को दाएं घुमाओ सर, फिर बताइए सर यहीं पर कैसे मोड़ते हैं। अरे भाई इसको समझने का तरीका है, जिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में खुद को एडजस्ट करो ना यार, सबका माइक ऑफ कर दीजिए और आप समझाइए कौन। हाँ कर रहा है, आप बताओ कौन हल्ला कर रहा है, उसको हम निकालेंगे कैसे, कौन कर रहा है, तो नहीं चलेगा ना, कौन कर रहा है बताओ। ए भाई जो समझ गया हो ना भाई,
वो हम इसलिए माइक ऑन करते हैं और करवाते हैं ना कि आप मतलब कि बोलो, अब बोलो हल्ला मत करो, बोलना तो जरूरी ही है, नहीं बोलोगे। अब देखो भाई यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए कि सबसे पहले क्या करते हैं कि उत्तर की ओर गए, उत्तर की ओर गए, फिर दाहिने हुए। अब तुम इमेजिन करो कि उत्तर की ओर तुम जा रहे हो, नॉर्थ की, इमेजिन आंख बंद करो, मंथन करो मेरे साथ कि उत्तर की ओर जा रहे हो, गंगा जी के साइड तुम जा रहे हो, अब तुम्हें दाहिने जाना है, राइट टर्न लेना है, तुम किस डायरेक्शन में जाओगे? अब जो समझा जिस साइड मेरा राइट हैंड होगा, जिस साइड तुम्हारा राइट हैंड होगा, बिल्कुल सही बात है। तो राइट हैंड तुम्हारा किस साइड होगा? ईस्ट की ओर होगा, ठीक है। तो तुम ईस्ट की ओर चले गए, अब तुम्हारा चेहरा किस की ओर है? ईस्ट की ओर है। अब फिर तुम इमेजिन करो कि फिर तुम्हें दाहिने होना है, तो तुम्हारा राइट हैंड साइड किस ओर है अभी, किस डायरेक्शन की ओर है? साउथ की ओर, साउथ की ओर। अब तुम आगे साउथ की ओर, तुम्हारा चेहरा साउथ की ओर है। अब फिर हम तुमको बोलते हैं कि इमेजिन करो, एकदम खड़ा हो जाओ, इमेजिन करो कि मेरा चेहरा जो है दक्षिण की ओर है, तो मेरे को राइट टर्न लेना है, दाहिना हाथ की ओर घूमना है, दाहिना हाथ की ओर, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर। सर जो मतलब कि समझा है ना, वो ये क्वेश्चन बनाएगा। नौवा नंबर बनाओ, नौवा नंबर, ओके ओके ओके, बनाओ स्क्रीनशॉट लो, नौवा दसवा बनाओ, बन जाएगा सर, बन जाएगा, नौवा दसवा बनाओ, इधर सब सबको समझा, ठीक ठीक है, ठीक है सर, हम लोग माइक ऑफ कर देते हैं। हाँ, अब सर जी आप ये देख रहे हो एक चीज कि सर जब भी आप राइट हो रहे हैं, राइट टर्न ले रहे हैं सर, तो आप सर क्लॉक थोड़ा सा नोमा क्वेश्चन वाके स्क्रीनशॉट लेवाइए ना सर, क्वेश्चन दिखाइए ना, लीजिए ना सर, रुक जाइए एक मिनट, होल्ड कीजिए ना सर, दसवां क्वेश्चन दिख रहा है, नोमा नहीं दिख रहा है, क्या बात करता है भाई सर, आप तो और नहीं दिख रहा सर, पहले दिख रहा था सर, अरे सर बड़ा तो रहा है सर, जूम तो करो भाई, सब दिख रहा है भाई, मेरे पास इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता, हम फुल स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ा ही नहीं हो रहा, आप दिखाई दे रहा है, इनफ है, आप दिखाई दे रहा है सर, सर सर क्वेश्चन नंबर क्या बोले, नौवां दसवां बनाओ, नौवां दसवां बनाओ, नौवां तो दिख नहीं रहा है, दसवां दिख रहा है सर, अरे सर नौवां ये वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कहां सर, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, नहीं दिख रहा क्वेश्चन, नहीं सर नौवां कहां दिख रहा है, वो जूम किया होगा उसलिए उसको नहीं पता चल रहा है सर, दिख रहा है सर, एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा 30 मीटर चलता है तो सब दिख रहा है सर, सर दिख रहा है सर, यस। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग कहाँ थे कि अब एक चीज देख रहे हो कि सर जब भी आप राइट टर्न ले रहे हैं, राइट टर्न सर जब ले रहे हैं आप, तो सर आप क्लॉक वाइज जा रहे हैं, क्लॉक वाइज कहने का मतलब सर, क्लॉक वाइज कहने का मतलब ये घड़ी की सुई जो आप सेकंड वाली देख रहे हो वो कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है कि नहीं चल रही है, जो नहीं समझे ना वो माइक ऑन करो, मेरे साथ माइक ऑन करो, अब बोलो, यस सर, तो ये देख रहे हो कि ये क्लॉक वाइज चल रही है घड़ी, ठीक है, तो आप देखिए कि सर जब भी आप सर राइट टर्न लिए हैं सर, तो आप क्लॉक वाइज लिए हैं, यहाँ यार यहाँ भी हम आपको क्या बोले थे कि सर उत्तर की ओर गए फिर राइट टर्न लिए हैं, तो क्लॉक वाइज लिए आप, क्लॉक वाइज लिए, फिर यहाँ भी राइट टर्न लिए तो आप क्लॉक वाइज लिए, घड़ी जिस दिशा की ओर चल रही है, अच्छा क्लॉक एंटी क्लॉक में भी आपको प्रॉब्लम है रिया जी, माइक बंद कीजिए ना अपना, यहाँ क्लॉक और एंटी क्लॉक में भी आपको प्रॉब्लम है, नो सर, कि घड़ी की सुई अब तो घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉक वाइज को बोलते हैं घड़ी की दिशा में, क्लॉक वाइज हुआ घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉक हुआ, एंटी क्लॉक हुआ घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चल रहा है और हम इसको चलाने लगे ऐसे 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 इस टाइप से, इस डायरेक्शन में, तो ये हुआ क्लॉकवाइज। अब यहाँ भी आ गए आप, यहाँ भी आ गए, फिर हम आपको राइट टर्न लेने के लिए बोले, राइट टर्न लेने के लिए बोले, सर साउंड रुक रही है, साउंड रुक रही है, नहीं सब ठीक है, योर बैटरी इज रनिंग लो, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, एक सेकेंड,
ये सेट डाउन होने से पहले इसको लगा लेते हैं। आराम से करो ना, आज बहुत क्वेश्चन कराएंगे, एक एक घंटा डेढ़ घंटा समझ समझ के करो। आज जिसको लगता है ना कि हम समझ गए हैं अब ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे तो वो जा सकता है। नहीं सर, ऐसा कुछ आज जिसको है कि नहीं समझे हैं और बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो। अब सर, आठ नंबर एक बार और समझाइएगा। आठ नंबर एक बार और समझाते हैं। तो अब आप लोग बताइए, आप लोग सारे के सारे। सर दोनों बन गया तो सारे 55 मीटर है सर। सारे के सारे 55 मीटर और 7 किलोमीटर। सारे के सारे आप लोग बताइए इस घड़ी को देखकर, अगला आठ नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं। देखो आठ नंबर फिर से बनाते हैं। सबसे पहले आठ नंबर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख लेते हैं, लिखना जरूरी होता है। प्रमोद उत्तर की ओर 30 मीटर चला। अब देखो उत्तर की ओर 30 किलोमीटर इसको चलाओ तो 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलाएं, फिर बाईं ओर मुड़ा। तो सर बाईं ओर कैसे मुड़ेगा? अब जो लड़की को समझ में नहीं आ रहा वो बताओ, तो पहले बाईं ओर मुड़ाना है। घड़ी आपके सामने है, बाईं ओर आपको मुड़ाओ, कैसे मुड़ाओगे? किधर वेस्ट हो जाएगा, बाईं ओर आप करो ना, मतलब पश्चिम की ओर ना। अरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यार बोलते नहीं हो तो समझे, फिर बोलोगे नहीं समझ, बोलो तो कहो सर नहीं समझ में आ रहा है। नो सर। अरे यहाँ से 30 मीटर उत्तर की ओर हम लोग चले हैं तो अब बाईं होना है, बाईं ओर होना है। तो उत्तर की ओर इमेजिन करो, अब बाईं ओर किधर क्यों होगो? उत्तर की ओर तुम जा रहे हो, बाईं ओर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी बाईं ओर तुम्हारा हाथ किस ओर होगा? तो सर पश्चिम दिशा में होगा ना सर, वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर। आप आंख बंद करो, आप लोग समझ लो ना, जो नहीं समझा थोड़ा सा उसको। आप उत्तर की ओर जा रहे हो, इमेजिन करो कि आप उत्तर की ओर जा रहे हो, नॉर्थ की ओर जा रहे हो, और आप करो कि बाईं ओर आपको टर्न लेना है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 10 तरीके बनाओ यार, 9-10 संभव। कोई 10 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है, कोई बोलता है कि 8 समझाइए। अरे एक बार समझ लो ना तब बनाते रहना। एक तो पहले बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा है, फिर एक क्वेश्चन को मेरे से 5 बार बुलवाते हो। सर आप समझाइए ना, ये बोला 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर चलकर 40 मीटर चला, तो बाईं ओर 40 मीटर चला, फिर क्या किया? फिर बाईं ओर मुड़ा। सर जी अंशुल कश्यप आप नहीं समझते ना, बाईं ओर दाईं ओर इसके बाद एक टर्न के बाद समझ गए सर, अब हमको आ गया सर। हाँ तो फिर देखो बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो देखो बाईं ओर मुड़ना है तो दाहीं ओर मुड़ाने के लिए ऊपर जाएगा क्लॉकवाइज। यहां से क्लॉकवाइज कैसे होगा? यदि इस पोजीशन पे है तो क्लॉकवाइज जो होगा ऐसे होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा आपका ऐसे होगा। क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घड़ी कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, यहाँ पर है तो ऐसे चलेगी। तो बाईं ओर चला तो बाईं ओर 500 मीटर चला, 500 मीटर चला, 500 मीटर चलने के बाद क्या होता है? फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो इधर दाहीं ओर क्लॉकवाइज दाहीं ओर बाईं ओर मुड़ा, फिर इधर कितना चला? 30-40 किलोमीटर चला। तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर, तो यहाँ हो गया 470, तो यहाँ के यहाँ के बीच की डिस्टेंस 470 किलोमीटर, आंसर हो गया। अब कितना समझा? आगे सर यहाँ पे 470 कैसे लिख दिए? सर 470 लिख दिए सर कि यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, एक ये तुम्हारा घर है ठीक है, आ ये जो तुम्हारा घर है फोर हाईवे पर है, हाईवे पर है। अब इस घर की, इस हाईवे की जो लंबाई है, इस हाईवे की लंबाई है वो 500 मीटर है, और ये घर की जो तुम्हारी ये वाली लंबाई है वो आपकी 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो हम बोलेंगे कि आपके घर के छोड़कर यहाँ से बिंदु ए से लेकर बी तक की रोड की लंबाई कितनी होगी? तो आप क्या बोलोगे? जी घटा देंगे, घटा देंगे। 500 में 30 गया कितना हुआ? 470 जी, 470 वही आया आपका, 470। अब आ जाओ नौवां नंबर सवाल, बन गया सर। इसका 55 होगा। यस सर 55 डी नंबर। सबसे पहले आपको हम बोलते हैं, आपको सबसे पहले हम बोलते हैं कोई काम ये वाला क्वेश्चन बनाने से पहले, इधर नॉर्थ लिखो, इधर साउथ लिखो,
इधर ईस्ट लिखो, इधर आपका वेस्ट लिखो, ये काम कर yes. एक साइड लिखो, अब देखो बनाते हैं सवाल। सवाल क्या बोलता है सर जी कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, तो दक्षिण दिशा में चलाओ, तो दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलाओ। दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा मोटा करे पेन को? दिख रहा है सर, भुकवाते हो ना जितना कुत्ता की तरह एक का क्वेश्चन पे, भगवान देख रहा है, इंटेंस को निकल जाएगा, इसका टेंशन मत लो। अब एक दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, तो दक्षिण दिशा में 30 मीटर चला दिए, ठीक है, यहाँ से अपने दाई ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। सर जी ईस्ट की ओर, सर जी दाई ओर मुड़ रहा है, दाई ओर मुड़ रहा है सर, तो आपका किधर की ओर जाएगा? दाई ओर, वेस्ट की ओर, तो वेस्ट की ओर। अब सर घड़ी कैसे चल रहा है उस दिशा में? हमको दाई कहना है तो घड़ी के दिशा में जाना, दाई कहो घड़ी की दिशा, घड़ी देख रहे हो कि उधर की ओर जा रही है, ठीक है, तो उधर हम भी चलते हैं, चलो उधर उसके साथ। कितना चला सर? 30 किलोमीटर या मीटर है? 30 मीटर है, 30 मीटर चला सर। फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो सर दाईं ओर ऊपर जाए, अब दाईं ओर कहता है तो घड़ी के साथ चलते हैं कि चलो मेरे घड़ी, पर उल्टा बोल दिया तो घड़ी को नीचे साउथ की ओर, फिर से नीचे, फिर से साउथ की ओर आ गया। कितना चला है आपकी बार सर? 25 मीटर, 25 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़कर सर 30 मीटर चला, तो बाईं ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर, ये कितना चला सर? 30 मीटर, 30 मीटर हो गया सर। तो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो सर प्रारंभिक स्थिति से यहां से चलना शुरू किया और यहां तक सर जी 30 और 25 ये हुआ सर, तो हुआ आपका 55 मीटर। 4 नंबर, 9 का 4 यहां पे आंसर भी आप दे सकते हो। ऑफ कोर्स, अब कंफ्यूजन है सर? नेक्स्ट, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट। देखो ना कौन महानुभाव है, देखो देखो देखो, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, क्या कीजिएगा सर? यूपीएससी एस्पिरेंट है सर। हाँ, यूपीएससी के स्टूडेंट है, वो प्रिपरेशन में लगे हैं रात दिन। एक बोले थे कि पोएट पोएम सुनने के लिए सुने थे अंतिम ऊंचाई, सर आप लिंक दिए ही नहीं, बताओ यार क्या करते हो? एक वेब सीरीज देख लो, अरे एस्पिरेंट देखो वो अच्छा है, एक देख लो पंचायत देख लो वो अच्छा है, अरे वो सब नहीं देखते हैं, टाइम पंचायत देखे सब, टाइम निकाल कर ही सब क्वेश्चन आइए 10 नंबर, अरे ठीक पंचायत लंबा है भाई, अभी चलेंगे 12 बजे तक, जो उसमें विकास है हम लोग के इधर का, ये सर पूरा दिन में पढ़ाई कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलाओ, पश्चिम की ओर चल रहे थे, हाँ वेस्ट की ओर 3 किलो, इसीलिए तो 20-20 क्वेश्चन 25-25 करवाते हैं, ब्लड रिलेशन का करवा दिया पीडीएफ। यस सर, सर ब्लड रिलेशन का उस दिन समझ में आ ही गया एकदम लास्ट में, पूरा आ गया ना अंत अंत तक जुड़े रहोगे ना सर, उस तरह का एग्जांपल दीजिएगा और समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। अब देखो एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, तो बाबू बाईं ओर साउथ की ओर, साउथ की ओर, तो साउथ की ओर मुड़ेगा, यस सर, तो 3 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है, फिर क्या होता है बौआ? दाईं ओर मुड़ता है, यस सर, वेस्ट की ओर, तो सर वेस्ट की ओर 1 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ाना है सर, तो घड़ी के साथ हम लोग चलेंगे, दाईं मतलब घड़ी, ऑफ कोर्स सर, तो सर दाईं ओर ऐसे चला, कितना चला सर? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला सर, 1 किलोमीटर चला, दोबारा दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर सर, तो सर दाईं ओर मिला तो दाईं ओर ऊपर की ओर चलेगा घड़ी के साथ, यस सर, यस सर, नॉर्थ की ओर 3 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर आंसर, ऊपर 1 किलोमीटर, प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर आंसर हुआ, 7 किलोमीटर होगा, सत्य 4 किलोमीटर, हां हां हां, बहुत आवाज हो रही है सर, 4 होगा, यस सर 4 होगा, देखो सर अच्छा कमेंट सेक्शन में देखिए ना सर, देखिए एकदम ग्राफ बना करके बच्चा लोग बना रहा है, ग्राफ बना के कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में सर, गजब गजब का फॉर्मूला लगाया है ये, कहां से ऐसा कीबोर्ड लाया बे तुम, 3 1 4 अच्छा देखिए है ना सर ग्राफ बना हुआ डायरेक्शन के साथ,
होशियार यूपीएससी वाला है भाई, छोटा मत समझो सब यूपीएससी। हाँ जो भी है भाई, लेकिन हाँ चलो ब्रेन अपना यूज किया ना, अभी तुम्हारा दिमाग उतना ही चलता है विवेकानंद, तुम क्या कर सकते हो। देखिए सर बताइए, हम खुद पहले देखो हम पहले ही आंसर बता चुके हैं, 4 किलोमीटर होगा। अरे हल्ला मत करो यार, डिस्टर्ब होता है सब यार, डायरेक्शन वाले की मदद से मत से पर हल्ला मत करो यार। अब देखो क्या यार 11 नंबर पढ़ना है ना इधर भी। हाँ वो कमेंट में बनाया, हम नोटबुक में बना के बता दिए। अब देखो 11 नंबर, त्रिभूषण पूरब की ओर 5 किलोमीटर की अंतिम क्वेश्चन, देखो अंतिम तक जुड़े रहो। 20वां नंबर क्वेश्चन, सब के सब लड़का बोलोगे कि सर समझ गया, सिर्फ अंतिम तक जुड़े रहो। यस देखो त्रिभूषण पूरब की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 5 किलोमीटर की यात्रा इसको पूरब की ओर करवाओ, तो 5 किलोमीटर की, ठीक है 5 किलोमीटर पूरब की ओर यात्रा करता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। देखो देखो कोई आ रहा है पढ़ने के लिए। सर जी। हाँ सर, सर जी लेफ्ट राइट बोलिए ना सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है तो त्रिभूषण पूरब लेफ्ट राइट बोलिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। फिर लेफ्ट कितना 6 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो लेफ्ट कहते हैं साउथ की ओर, लेफ्ट कहेंगे ऊपर ईस्ट की ओर, लेफ्ट की ओर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर होगा ऊपर की, 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब फिर क्या करता है, फिर राइट की ओर 9 किलोमीटर चलता है, राइट इसको 9 किलोमीटर चलाओ ईस्ट की ओर, ठीक है। अंततः एक बार हुआ अपनी दाई तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है साउथ की ओर, ठीक है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से 14 किलोमीटर, ठीक है। 14 किलोमीटर, 14 यस सर। 12 नंबर सवाल, 12 समझ रहा है ना सर, पूछ लीजिए बस स्टूडेंट सबको, फिर बाद में कहेगा नहीं समझ रहे, बाद में बोलेगा। मेरा समझा हुआ ही है, मेरा समझा हुआ ही है, तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ओके ओके भाई हो गया, एस्टिमेट की नहीं कर रहे, अंडर क्या बोले, लड़ने के लिए एकदम तैयार होता है। आ जाओ 12 नंबर, उधर देखो कराही छोलनी पटक रहा है थाली, एक व्यक्ति खाना बना रही है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। आधा लड़का तो होगा कि क्लास लगा के भागा होगा, कोई बात नहीं जाओ। एक व्यक्ति बिंदु ए से मान लिया जाए, बिंदु ए है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर दक्षिण नीचे ना जाएगा क्या है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, हाँ सर तो ये हम वेस्ट की ओर चला दिए, हाँ हाँ नीचे की ओर सर जाएगा, 50 मीटर सर। आ जाओ एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चला दिए दक्षिण की ओर, ठीक है। ये सर अपनी दाई ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो घड़ी की दिशा में, यस 30 मीटर या ठीक है। फिर बाई मुड़कर 20 मीटर चलता है, बाई मुड़ना है तो 20 नीचे क्या, दोबारा बाई और मुड़कर 30 मीटर चलता है सर। हाँ सर प्रारंभिक बिंदु से पूरा दिमाग खराब हो जाता है, 50 किलोमीटर 50 दाएं बाएं में दिमाग खराब, लेफ्ट राइट करो करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर अपने राइट ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, राइट 30 मीटर चला, फिर क्या करता है, फिर लेफ्ट 20 मीटर चला, फिर क्या किया, फिर लेफ्ट 30 मीटर चला, तो अपने ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 30-20 50 किलोमीटर आंसर, 50 मीटर कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट होमवर्क रहेगा ना, पढ़ो अभी, कोई कंफ्यूजन नहीं है,
होमवर्क का रहेगा सर? स्टूडेंट लोग बहुत भाग गया, भागे दो। अरे भागने दो यार, जो भाग रहा है उसको रोक लिया। भाग रहा है, वाला रहेगा, दस लड़का को पढ़ाएंगे। हाँ 13 नंबर सवाल, यस सर वो तो है, 20 तक इसको हम क्लियर करके छोड़ेंगे। 13 नंबर सवाल, अभी हुआ भी कितना है, अभी एक घंटा सही से नहीं हुआ है तुम लोग। तब एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है? एक व्यक्ति सामने की ओर, सामने किसी भी ओर चला दो, सामने की ओर बोला है तो किसी ओर चला दो, तो सामने हम लोग उत्तर की ओर चलाते हैं, ऊपर की ओर। तो एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है? उस जानते हो यदि फ्री में पढ़ाते हैं ना तो 5 लड़का भी नहीं पढ़ता। उसके बाद 10 मीटर दाएं चलता है, 5 मीटर सर, 5 मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है सर, 10 मीटर दाएं ओर चलता है। तत्पश्चात वह हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 15 5 15 15 चलता है। अब हर बार बाईं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, हर बार लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है, तीन बार लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट लिया पहला बार, ठीक है, फिर दूसरे बार लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिया तो कितना चला, 15, फिर चला 15 फिर लेफ्ट लिया, तीसरे बार लेफ्ट लिया, फिर 15 चला, 15 अरे विवेकानंद सर वो दो यार 15, ठीक है। अब क्या बोलता सर, वो राइट है शायद, हाँ आएगा सर, सर लेफ्ट नीचे आएगा, नीचे 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 15, तो 15 आ जाओ नीचे 15, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दूत है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 5 15 सर, 10 5 15 5 ही हुआ ना, 15 5 मीटर, ठीक है, यस सर, ठीक। अब उसके बाद इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 5 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस हुआ कितना, 5, इसका 10, इसका भी आ जाएगा 5, ठीक है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, क्या क्या कर दिए यार, फिर से बनाओ इसको, एकदम लेंदी हो गया, फिर से कीजिए ना, पाइथागोरस सर लाइए ना सर यहाँ से, कोई बात नहीं नहीं पाइथागोरस नहीं, कंफ्यूज कर गया। अब देखो 13 नंबर, व्यक्ति सामने की ओर, अब चुप रहना सब, सामने की ओर 10 किलोमीटर चला, 10 मीटर, फिर क्या चलता है, बाद में दाईं ओर 10 मीटर, दाईं ओर 10 मीटर चला दिए, फिर तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर, दाएं बाएं, बाएं 5, बाएं 5, फिर क्या हुआ, फिर बाएं 15, फिर बाएं 15, फिर बाएं 15, 10 5 15, तो यहाँ से यहाँ के बीच का 5 मीटर डिस्टेंस, इसका 10 मीटर, तो इसका हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है, 5, और यहाँ से शुरू किए थे हम लोग, फिर क्या हुआ, फिर बाईं ओर मुड़ा, 5 मुड़ा बाएं, फिर 15, फिर बाईं ओर साइड, तो साउथ की साइड 15 मुड़ा, तो ये यहाँ से तो शुरू ही किया था, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट, यहाँ पर आ गया 5 मीटर होगा, 15, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 5 मीटर आंसर, 5 मीटर, 13 का आंसर 4 5 मीटर, नहीं समझे सर, यस समझ गए सर, समझ गए सर, सर हाँ सर, यहाँ पे कह रहा है सामने की ओर, तो नॉर्थ की ओर क्यों ले गए हैं, ईस्ट की ओर भी लेके जाओगे तो वही तुम्हारा आंसर आएगा, मतलब सामने की ओर जाएगा तो किसी ओर ले जा सकते हैं, किसी ओर ले जा सकते हो, ओके सर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये क्वेश्चन समझे, यस सर, जी सर, एक एक टॉपिक को जब तक पूरा खत्म नहीं करते हैं। 14 नंबर, राजेश मेरे घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, मेरे घर से पश्चिम की ओर, बाय द वे ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, यस सर, घर है, तो ये घर से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर इधर गया, वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, कितने लोग अभी हो, यस सर, भागा कहाँ लोग, सब 48 आदमी है, 49 50 ही तो रहते हो, 150 में अब कौन है, अब 15 सर, मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिलता सर, क्या पढ़ाई से बड़ा कौन काम है सर, बिल्कुल सर, इससे बड़ा कौन काम है, अब देखो
अभिषेक माइक बंद। फिर वह बाईं ओर 20 किलोमीटर चला, तो दाईं ऊपर की ओर बाईं ओर 20 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर मुड़कर कितना चला 25 किलोमीटर चला, ठीक है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, दाएं नीचे बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, ठीक है। तो अब बोल रहा है तो 10 किलोमीटर साफ आंसर तो इसका दिखाई दे रहा, समझ गए ना, 10 किलोमीटर 15 10 25 ये घर से इसके बीच का डिस्टेंस 15, अब बाकी जो 20 तो ऊपर चला है तो ये 20 हो गया, अब ये हो गया 10 किलोमीटर 15 10 25। यस सर, समझे सर? हाँ हाँ, टोटल 25 सर। यस सर, क्या सर हो गया? क्लियर नहीं हुआ सर। कौन सोया हुआ है बोलता क्लियर नहीं। बहुत बहुत धीरे धीरे बोल रहा है सर, फोन में सट के बोल रहा है। अब देखो देखो क्या क्या सर, 5 किलोमीटर होगा ना? अरे देखो फिर से एक बार देख लो भाई को दिखा दो। राजेश मेरे घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, तो इधर से देखो पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, ठीक है। यहाँ से उसका घर है मान लीजिए पॉइंट ए पर, ए बी करके पॉइंट बताते हैं, पश्चिम की ओर गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो बाईं ओर मुड़ाओ 20 किलोमीटर चलाओ 20 मीटर, ठीक है। फिर पूरब की ओर चलाओ, तो पूरब इधर की ओर, तो इधर की ओर चलकर 25 किलोमीटर गया, 25 किलोमीटर चलाओ, इस पॉइंट पर पहुंच गया। फिर क्या बोलता है कि अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर, दाईं नीचे बाईं ऊपर, तो 20 किलोमीटर चला, तो फिर इस पॉइंट पे आ गया सर। तो अब इस पॉइंट की दूरी, इस यही दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो ये पूरा 25, ये पूरा 25, और यहाँ से यहाँ लेकर 15, तो ये कितना हुआ 15 सर, ये 15, तो ये कितना हुआ 10 किलोमीटर। और ये टोटल 25, आपके पास टोटल 25 बिस्किट है, 25 घर है, 15 घर आप बेच दिए, तो कितना घर बचा आपके पास सर? पूरा उधर की तरफ होगा कि उधर? पूरा इधर है सर, यही ईस्ट लिखा हुआ है रोहित वाला सर। समझ गए सर, ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ, 15 नंबर सवाल आ जाओ। 20 को तो सवाल है, 20 सवाल नहीं करोगे तो क्या करोगे? रोहित अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। रोहित हेलो, हाँ हेलो, अभी ऐसे पहले वाला कौन सवाल था? हेलो समझ जी सर, बोल रहे आप रोड पे चल रहे हैं कैसे समझिएगा? रोहित अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, कॉपी कलम निकाल के पढ़िएगा। कितने लोग इसमें कॉपी कलम निकाल के पढ़ रहे होंगे? मुश्किल से आधा। मी सर, मैं सर, 46 है ना, 3 को भाग गया, बहुत कम ही लोग कॉपी कलम निकाल के, तब तो नहीं सर, हम कॉपी से बनाते हैं। नहीं सर, सारा नोट डाउन कर रहे हैं। रोहित अपने घर से में नोट डाउन क्या करना है? रोहित रोहित अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तुम्हारे से वजन नहीं होता ना। गुड वन, गुड वन वार से सर, उसने सर उसको लेक्चर है। रोहित अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, सामने भी रहोगे तो ऐसे लड़ोगे। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ाना है तो एंटी क्लॉकवाइज 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाईं पुनः 5 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ा, अंत में 4 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा, दाईं। तो बताइए घर से किस दिशा में कितनी दूरी पे है, किस दिशा में और कितनी दूरी पे है? पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम 10 किलोमीटर, 4 16 का 4 आंसर देख भी रहे हैं, चोरी भी मार सकते थे। यस सर, वहां पे तो आंसर सिर्फ सामने है सर। हाँ सर, हो गया ना तुम लोग पर, वाह वाह, एकदम होशियार होशियार है, सब 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 होशियार होशियार लड़का पढ़ रहा है आज। चलो आगे, चौथा नंबर, घड़ी को हटा दो और घड़ी को यहाँ पे रखो। 16 नंबर आ जाओ, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन?
पोजीशन दिखाई दे रहा है? यस सर। थोड़ा नंबर को देना। यस सर। गीता का आंसर बता दीजिए ना। गीता। गीता का 15 का आंसर 4। कोई ना मोबाइल पर देना। 10 किलोमीटर पश्चिम। गीता उत्तर की ओर चलना शुरू की और ऊपर हो रीजनिंग पर। हाँ, एक चैप्टर और खत्म करें आज 12 बजे तक पर हो। यस यस सर, कर लेंगे। यस सर, करिए ना तो। गीता तो है। उत्तर की ओर चलना शुरू की। नॉर्थ साउथ लिखते हैं एक बार पहले। सर घड़ी को तो हटा दीजिए। अब घड़ी एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज के लिए रख दिए हैं। लो हटा दिए सर, वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, तो गीता उत्तर की ओर चलना शुरू की। उत्तर की ओर गीता को चलाते हैं। गीता चलो उत्तर की ओर, चलने लगी गीता। तो कहाँ चली? चलना शुरू की। 30 मीटर चलने तो 30 मीटर चली गीता। 30 मीटर चली। ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ी। 40 मीटर चली दाईं और बाईं। 40 मीटर चली। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर चली दाएं बाएं, बाएं 30 मीटर चली। ठीक है, होगा पुनः बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चली बाईं, बाईं ओर मुड़कर। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चली। 40 प्लस 10 वो आरंभिक स्थान से कितने? 10 मीटर। समझ गए सर? 16 का 4। यस यस हाँ, यस सर, यस सर, सर। मेहनत करने से हम लोग, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मैं कल क्लास दिन में नहीं लिया था, कल भी दोस्त की एक बहन का शादी था, एकदम जरूरी था जाना, उसी में थे रात भर। सर सर, हम आपसे बोल रहे थे क्लास का टाइमिंग कोई आप फिक्स कर दीजिए ना, आप कभी भी क्लास ले लेते हैं। कभी भी क्लास ले ले रहे हैं सर। सुनिए, 2 GB का एक वीडियो आप YouTube पर लिंक नहीं भेज रहे, हम बोले अब टूटा हुआ है। सर बोलिए, मेरी बात सुनिए कि सर 2 GB का एक वीडियो होता है। हम समझते हैं सर कितना बड़ा बड़ा जीबी का वीडियो होता है सर, क्योंकि हम भी वीडियो अपलोड करते हैं सर। लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो आपका वीडियो अपलोड करते हैं। आपको पता है कि हम इधर शादी में व्यस्त थे, इसलिए हम लाइब्रेरी छोड़े हुए हैं, लाइब्रेरी पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। आपका सारा का सारा वीडियो जो है वो सर जी मेरे आपका एक चीज दिखाते हैं सर, 5 किलोमीटर आंसर सर। ये जो देख रहे हो ना, ये सारा का सारा वीडियो आपका अपलोड है। ये जो देख रहे हो ना सर, सारा वीडियो जो है रिकॉर्ड है। टाइम नहीं है सर, डाटा नहीं है सर, इसीलिए अब जियो इतना महंगा है कि 15 रुपया में 1 GB देगा, एक वीडियो को अपलोड करने में 30 रुपया और एक दिन में 2 वीडियो 60 रुपया। और घर पे मॉडम लगवाना, एक दिन का काम है सर। सुनिए सर, एक दिन का तो काम है नहीं कि आज का वीडियो अपलोड कर दिया हो गया, रोज आपको करना है। दो क्लास डेली लेना भी है गूगल मीट। अब आ जाओ 17 नंबर। अब सही बात सर, सर मेरी बात सुनिए ना आप। हाँ सर। हेलो सर, बोल रहे कि अगर आप अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, अगर आप एक दिन लाइब्रेरी जाएंगे तो पूरा वीडियो एक दिन आप अपलोड कर दीजिएगा, फिर हम लोग देख नहीं ना पाएंगे। हम लोग का मॉर्निंग और क्लास रहता है, अभी जस्ट हम क्लास करके आए हैं, इसलिए आप क्लास का एक टाइमिंग फिक्स कर दीजिए ना, इवनिंग वाला, हम लोग लाइव पढ़ लेंगे। सर इवनिंग में टाइम फिक्स था, हम आपको पहले ही बता रहे थे कि 3-4 दिन हम डिस्टर्ब ही हो रहे हैं, इसीलिए हम ये सुबह 9 से 10 और 10 से 11 क्लास ले रहे हैं। 9 से 10 नहीं तो सर, तो 9 से 10 कैंसिल कर 10 से 11 लीजिए, उसमें हम कम, उसमें हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10:15 में मेरा कोचिंग सभी जस्ट घर पे पहुंचे हैं। 10:15 तक कोचिंग होता रहा सर, तो सब लोगों को देखकर चलना, सब 10 से 11 में तो बाकी लोग कंफर्टेबल है ना, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हम रिकॉर्डिंग कहाँ सर, 38 को सिर्फ बच्चा है सर, आप देखिए ना स्टूडेंट कितना नंबर कम है, जो 38 को बच्चा है सर, तो वो हमेशा 38 रहेगा। हम जब 7 से 8 मिलेगा ना सर, तो 38 से बच्चा रहेगा। हम काफी बच्चा से बात किए तो सब कहा कि हम लोग को मॉर्निंग में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्लास रह रहा है, मॉर्निंग में बहुत बच्चा का प्रॉब्लम हो रहा है सर।
तो हम रिकॉर्ड दे देंगे, बस एक दो दिन का बात है, शाम वाला जो जैसा चल रहा है फिर। अरे यार सर को एग्जाम बीतने दो, इसके बाद जहाँ होगा तब हो जाएगा, अब से थोड़ा दो तीन दिन प्रॉब्लम के बाद ना तुम 24 घंटा मेरे से पढ़ना, एक से दो भी रात में ही पढ़ोगे ना तो हम हमेशा अवेलेबल है पढ़ाने के लिए। अभी कष्ट करो, कष्ट करने का समय। मैं पूर्व आज पढ़ो, आज तो छुट्टी वाला दिन है, पढ़ो अब 12 बजे तक। मैं पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलकर बाई और मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूँ। मैं पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर। तो यही बात सर आप जब प्रेम से आज बोले तो हम प्रेम से बोलते हैं, पर आप यही बात कल गर्मी में बोल रहे थे। और कौन बोल रहा था सर? एक नहीं सर, सर गर्मी में नहीं बोलते, कल जस्ट हम क्लास से जस्ट निकले, आपका क्लास का मैसेज आ गया था, उससे बहुत कोई सुनिए, मेरा कोई 40-45 साल यूज नहीं हुआ है, हम भी 22 साल के एक लड़का है, मेरा भी अभी ग्रेजुएशन ही है, हम वो भी नहीं है कि टीचर हैं तो हम बहुत मतलब कि बोल रहे हैं सर। एक बार मेरा भी सुन लीजिए। चलो मैं पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर। हेलो सर। हाँ बोले कि रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते हैं सर, थोड़ा पीडीएफ भी दे दिया कीजिए, उससे लिख लेंगे, मतलब अभी क्लास कर लेंगे तो उसके बाद मिलेगा सर, सारा रिकॉर्डिंग मिलेगा। 7 किलोमीटर रिकॉर्डिंग नहीं दीजिएगा सर, पीडीएफ भी दे दीजिए सारा कुछ। पीडीएफ में नहीं मिलेगा, मैं पीडीएफ में कुछ पता नहीं चलता सर, रिकॉर्डिंग सही रहता है। मैं पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलकर बाई और मुड़कर दृष्टि का जब लोगे ना, पढ़ने दो या 3 क्वेश्चन करवाने दो, दृष्टि का जब लोगे ना तो लाइव क्लास देखोगे और दो एक दिन के बाद ना वो लाइव क्लास तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम नहीं देख पाओगे। तुम लाइव क्लास करो या उसका एक रिकॉर्डिंग देखो, एक बार रिकॉर्डिंग देखो, बाकी कहानी खत्म। फिर दृष्टि का यदि आईएएस का कोचिंग लोगे तो ऑनलाइन। अभी तो मैं पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलकर बाई और मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूँ। बाई और मुड़ाना है, कैसे मुड़ा है, नीचे या ऊपर? ऊपर सर, ऊपर। मतलब 5 किलोमीटर। कल ही ट्रेन से आ रहे थे, इतना हम लड़ाई किए हैं ट्रेन पर, इतना मारपीट कर दिए हैं, कल की बात है। 5 किलोमीटर मतलब किया कि देखो हम बताते हैं, एक मिनट सुन लो, जैसे हम पटना जंक्शन में चढ़े ट्रेन, तब तो ये सर आप बहुत अच्छा काम कर दिए। नहीं सुनो तो सर, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर दिए जो हम लोग को बता रहे हैं। फिर तो बात काटे, समझता नहीं है, समझेगा नहीं, फिर बात काटे। अरे सुनो, ए सुनो ना, लड़ क्यों रहे हो यार? पटना जंक्शन में हम ट्रेन चढ़े, बताइए सर। पटना जंक्शन में कटिहार इंटर सिटी 157/14 हम ट्रेन चढ़े, ट्रेन चढ़े, टिकट कटवाए। मेरे को उतरना था 12 स्टेशन, क्योंकि मेरा बार अपना घर हुआ 12 स्टेशन। उसके पहले एक स्टेशन, दो एक मिनट का ट्रेन का स्टॉपेज होता है, एक एक मिनट सब जगह होता है, बख्तियारपुर स्टेशन में होता है, ठीक है। उसके बाद आती है बार। जब ये ट्रेन पे खुली तो ये ट्रेन खुली ना तो इसमें बहुत सा जेंस जो था, 4-5 जेंस जो था, वो प्याज का कम से कम 20 बोरा, प्याज का 20 बोरा दोनों गेट पर, बोगी के दोनों गेट पे पैक कर दिया, गेट पूरा लॉक कर दिया। 20 आदमी कम से कम, ये 4-5 आदमी 20 बोरा पैक कर दिया। अब बख्तियारपुर आया, जैसे ये स्टेशन पे एक मिनट ट्रेन रुकती है और ट्रेन से आदमी कटता जाते हो, कितना जल्दी मौत होता है ट्रेन से। अब क्या हुआ कि एक बूढ़ा और एक बूढ़ी था जो जिसको बख्तियारपुर में उतरना था, ट्रेन पूरा जाम था बोरा से, प्याज के बोरा से, क्योंकि पटना सिटी में प्याज बहुत होता है, सब लोड कर लिया विदाउट टिकट। अब वो क्या किया, बूढ़ा उतर गया, बूढ़ी बेचारी ट्रेन खुल गई और ट्रेन के नीचे गिर गई, ट्रेन के नीचे गई। अब बोले ना कि गलती मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, वो आदमी को हम बोले कि किसका प्याज, हम प्याज फेंक देंगे बाहर, किसका है पहले बताओ। हम सबसे पहले जीआरपी को कॉल कर दिए, बार जीआरपी को कॉल कर दिए कि सर देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, बूढ़ी गिर गई है, बेचारी मरते मरते बची, रोने लगी, उसका हस्बैंड रोने लगा, मरते मरते बची सिर्फ ये प्याज के बोरा के कारण। फिर ये चार होता है सर, ऐसा अक्सर करता है गेट पे, क्या करता है, बहुत फास्ट ट्रेन है सर, बहुत फास्ट, इतना खत्म ट्रेन है, इतना खत्म, एक मिनट रुकेगी। और 4-5 लोग फिर क्या, हम उसको बोले ना तो वो मेरे से टेढ़ा बोलने लगा कि हम करेंगे, मेरा बाप का ट्रेन, तुम क्या करेगा, तुम देख लेते हैं, हम रखेंगे बोरा, कहेंगे बेटा तुम रखेगा बोरा, तुम रखो। कालर पकड़े पहने के पूरा कर दिए चरम उसका पूरा। हम लोग दो मतलब और साथ में 2-3 पब्लिक जो नहीं उतर पाया बख्तियारपुर स्टेशन में, कम से कम 15 पब्लिक नहीं उतर पाया। इस सबको किए, और फिर क्या किए, इसका जो प्याज का बोरा था ना वो 12 स्टेशन में सारा का सारा मतलब 3-4 बोरा हम उतार लिए, जब्त कर लिए, जीआरपी आ गया, जब्त कर लिए। उसके बाद फिर जब ट्रेन खुली ना तो वापस उसको चढ़ा दिए कि जाओ। उसके बाद वो अब समझ गया, किसी के मौत का सवाल होता है भाई, ये बोलते हो अच्छा काम, वो बूढ़ी मर जाती, एक सेकंड में खींच लिया।
अब वो आदमी से सर हम भी उसी ट्रेन से जाते हैं घर जाते हैं तो अब बताओ अच्छा काम किए तो भगत सिंह बम फेंका था समझा है बम फेंका था संसद पे और बोलना था किसी को मारने का उद्देश्य नहीं है मेरा उद्देश्य है बहरी कानों तक आवाज पहुंचाना ये जो बात बोलते हो ना तो वही हम इसका कान पूरा बहरा है सर जी नहीं आवाज पहुंचेगा क्या आप देखो ये बहरा लड़का है ये क्वेश्चन करवाए थे हम ट्रेन खतरा नहीं हुआ खतरा नहीं हुआ पढ़ाइए सर कुछ एक 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 स्टूडेंट के वजह से थोड़ी ना टेंशन लेना मैं पूरब दिशा की ओर बोला ना कि सर ये अच्छा काम किए थे अब किसी की अब कोई मर गया मर रहा है उसको हम देख के हम बर्दाश्त कर लें कि जानो मेरे को क्या मतलब है तो मेरे से ज्यादा घटिया कोई नहीं होगा ये मेरे बर्दाश्त नहीं होता बोलने का तरीका नहीं पता उसको बोला क्या तुम्हारे बाप का क्या जाता है हम गेट पे लॉक करेंगे सवाल कहीं करो बेटा मारे उड़े कि नहीं सर किस तरह से मारे कि नहीं उसको अरे बड़ी मार मारे कल मैं पूरब दिशा के साथ हम लग रहा थे चूर देते सर उसका उनका मैप कार्ड बना देते पूरब दिशा की ओर 7 किलोमीटर चला 7 किलोमीटर चला फिर बाई और मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूँ दाई और बाई बाई और को बुलाते हैं मेरे पास दो दोस्त का गैंग है सर बाई और मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूँ ठीक है लगता है तुम गैंगे चलाता है फिर बाई और मुड़कर 7 किलोमीटर चलता हूँ तो मैं शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ तो यहाँ से 5 किलोमीटर आंसर यस हम ऐसा नहीं है हम बिल्कुल लड़ाई झगड़ा से एकदम तब तो हम 2-3 साल से बीएन कॉलेज हॉस्टल में रह रहे हैं हॉस्टल तो वही तो सर हॉस्टल में यदि हम रह रहे हैं तो समझो कि हम अपने शांत हैं इसीलिए रह रहे हैं नहीं तो हॉस्टल में लड़का नहीं रह सकता अभी पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल में लड़का रह रहा है मतलब जिगरा होना चाहिए यही बात तुम जान लो वही तो सर हम आपसे पूछे आप हॉस्टल में रह कैसे लेते हैं जिगरा होना चाहिए रहने के लिए तब संजीव 15 किलोमीटर मेरा कोई गैंग नहीं हम अकेले रहते यही बात है कोई गैंग हम सब मेरा बहुत प्रेम करता है तब गैंग लेकर के जाने वाला होता है गैंगस्टर अकेले मॉन्स्टर आता है ना संजीव 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है ठीक है अब अवध ओझा से पढ़ोगे तो 1 घंटा वो भाषण देता है तुम लोग कहाँ से क्लास करोगे अवध ओझा सर जो है यूपीएससी के बेस्ट टीचर है सर वो हाँ 1-1 घंटा जब बोलना शुरू करेंगे ना तो 1-1 घंटा बोलने लगेंगे नहीं सर वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताते हैं सर वही ना तो मतलब कि बोलते तो है तुमको बताते कैसे करो ऐसे बहुत अच्छा है 15 किलोमीटर पश्चिम अच्छा सर है सर फिर क्या फिर दाई तरफ 15 किलोमीटर जाता है दाई तरफ अरे मेरे को लगा कि कल को यहाँ पे मेरी माँ हो सकती थी ट्रेन आपका आवाज कट कट कर रहा है सर 5 आंसर होगा आवाज नहीं जा रही है तो दाएं तरफ मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है हम बोलते ना कि मेरे से अच्छा से बोलो तुम बड़ा बढ़िया फिर बाई और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है कल वहां पे मेरी बहन हो सकती थी मेरी माँ हो सकती थी ट्रेन से नीचे जा सकती थी यस सर अरे आप बहुत अच्छा किए सर जी सब थोड़ी कर पाते हैं 10 किलोमीटर बाई और मुड़ा अंत में बाई और 15 मीटर चलता है डायग्राम जल्दी का बन गया देखे तक क्वेश्चन फिर से पश्चिम की ओर चला फिर क्या किया पश्चिम की ओर चला फिर दाई तरफ मुड़ा क्लॉकवाइज में दाई तरफ 15 किलोमीटर चला फिर बाई और मुड़ा तो 10 किलोमीटर चला फिर क्या किया बाई और मुड़ा क्लॉकवाइज में हो गया सर 15 किलोमीटर चला तो अपनी प्रथम और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी कितनी है तो 25 किलोमीटर 25 मीटर सर फर्स्ट टर्न देखिए ना फर्स्ट टर्न फर्स्ट टर्न देखो भाई पश्चिम की ओर चले ना सर तो ऐसे चले इधर से चले और ऐसे हाँ। चले तो ऐसे चले तो फिर दाई तरफ मुड़े तो क्लॉकवाइज में लेफ्ट लेफ्ट की राइट सर दाई अरे भाई दाई 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 हुआ तो राइट हुआ ना राइट राइट क्लॉकवाइज की तरफ गया ठीक है फिर 15 सर किलोमीटर किलोमीटर लिखा हुआ है फिर मीटर लिखा हुआ है अरे वो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है यार देते हैं यार सवाल एक ही डाटा रहेगा आपका यस सर वैसा दिक्कत नहीं है अब 19 नंबर आ जाओ अरे टाइम पास करना चाहिए बीच बीच में
अब देखो 19 नंबर, देखो सवाल 19 नंबर तुम लोग बनाओ, देखते हैं किससे बनाते हो। सर किसी थ्योरी से ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस होता है सर किसी लाइफ, किसी के लाइफ का। 45 वाह क्या बोले सर, गायब हो गया क्वेश्चन। कहां 19 नंबर आया तो गया। यस सर आ गया 19। हां आ गया अभी, आ जाओ 19 नंबर। क्या छोटा दिख रहा है, जूम कर लिए कर लो ना। हां क्वेश्चन को ठीक है सर, हम लोग आगे का बना रहे हैं। जितना क्वेश्चन गायब हो गया सर वो अरे हम लोग जूम किए हुए हैं ना इसलिए वो अरे नहीं सर 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 हटा है तो हम कब का छोड़ दिया है बेवकूफ, जो भी 10 मिनट बचल है। हाय एम भी बहुत खाता है। नहीं यार ठीक आ जाओ 19 नंबर आ जाओ। गौरी अपने घर से चली ठीक है, पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 20 मीटर चली। पहले देखो अब बनाओ उत्तर पश्चिम, तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट ठीक है। तो गौरी अपने घर चली पहले उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यही है आपका। यस सर, यस सर, इसको भी बना लो नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम में 20 मीटर चली, फिर दक्षिण पश्चिम ठीक है, दक्षिण पश्चिम यही है आपका। हाँ साउथ वेस्ट ठीक है, दक्षिण पश्चिम। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ कर किस दिशा में चल रही है, यही है। तो ये क्या हो गया साउथ ईस्ट। यस सर साउथ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट। इसके साथ क्या हुआ, इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो क्या किया घर से वो अपने, ये वहां पे घर है तो ये घर है, तो घर से पहले किधर चला, ये देखो उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम किधर है, इधर है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ के बगल में 20 किलोमीटर 20 मीटर या 20 मीटर मान लो 20 मीटर लिखो, 20 मीटर चला ठीक है। फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम तो दक्षिण पश्चिम यही हुआ, दक्षिण पश्चिम यही हुआ ना। हाँ हाँ, तो इधर किधर चला कितना चला 20 मीटर चला ठीक है। फिर फिर क्या है अपनी बाई यहाँ आ गया ना, फिर वो अपने घर की ओर मुड़ गया। तो घर की ओर मुड़ गया तो किधर है, नॉर्थ ईस्ट में उसका घर है। हाँ यस सर, उत्तर उत्तर पूर्व में। हाँ तो यही आपका उत्तर पूर्व, 19 का 4 इनमें से कोई नहीं दे रहा है, गलत दे रहा है। उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व होगा ना। जैसे इधर चला तो नॉर्थ वेस्ट की, यस सर। फिर यहाँ से जो अपने घर की ओर मुड़ गया तो घर यहाँ था, 20 इधर चला, 20 इधर चला ठीक है। तो ये पाइथागोरस नहीं लगेगा ना, तो 20 इधर चला फिर, सर जी तो फिर 20 इधर चला क्या, यहाँ पर जो गए पहला टर्न पे। हाँ पहला टर्न पे यहाँ से डिसाइड ना हुआ सर, नॉर्थ वेस्ट साउथ, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट गया फिर साउथ वेस्ट गया फिर अपने घर की ओर चल गया। तो घर सर साउथ ईस्ट होगा ना, यहाँ से ना डिसाइड होगा सर। पहले देखो यहाँ से साउथ वेस्ट होगा, ऐसे गया है देखो, ऐसे गया है, ऐसे गया फिर देखो वेस्ट होगा, फिर यहाँ से डिसाइड कीजिए सर नॉर्थ साउथ, यहाँ से ऐसे गया फिर ऐसे ईस्ट होगा, ईस्ट की ओर ऐसे हुआ, ईस्ट की ओर घर उसका ईस्ट सर साउथ ईस्ट नहीं ईस्ट होगा, ईस्ट होगा ईस्ट होगा। देखो घर उसका यहाँ पर है, घर यहाँ पे उसका है, घर यहाँ पे। तो पहले देखो साउथ नॉर्थ वेस्ट गया, ऐसे गया, फिर देखो ट्रायंगल बन रहा है, फिर ऐसे गया ठीक है। तो अब की बार जो जाएगा घर की ओर गया तो ये सीधा जाएगा ना, सीधा ऐसे सीधा जाएगा। yes. सीधा, ये फिगर गलत हो गया, फिगर को ऐसे करो तो सीधा हो जाएगा। तो ईस्ट इसका आंसर ईस्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। आ जाओ अगला नंबर yes. सवाल, अगला नंबर सवाल आ जाओ। बीच का पश्चिम होगा क्या सर? हाँ सर क्लास रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अरे रिकॉर्ड हो रहा है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, चार दिन से क्लास नहीं किए बेटे पे, गुस्सा का है हो रहा है भाई। एक व्यक्ति, अरे बार बार डिस्टर्ब करता है यार सर को। एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है, एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर
मुख करके चलना आरंभ करता है, मतलब सूर्य की ओर मुख करके, मतलब ये सूर्य की ओर कहने का मतलब कि पूर्व की ओर चलना, पूर्व की ओर, ठीक है। थोड़ी देर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, नौ बाईं ओर मुड़ता है, दाएं और बाएं, ठीक है, ठीक है, नॉर्थ। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, वह व्यक्ति किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। हाँ, वेस्ट की दिशा में। यहाँ पर आपका हो गया ये खत्म, ठीक है, ए नंबर आंसर, बी नंबर आंसर, पश्चिम। फिर से, एक व्यक्ति सुबह सूर्य की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है, थोड़ी देर बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। सूर्य की ओर कहने का मतलब पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, पूर्व सुबह है, यहाँ पे देखो सुबह लिखा हुआ है, इसलिए पूर्व। यस सर, ईस्ट की ओर। उसके बाद वह बाईं मुड़ता है, ये दाईं या बाईं, शाम होता तो बेस्ट होता, तो मुझे ये हो गया किधर वो मुख करके चलना आरम्भ करता है, किधर हुआ, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, इधर बाईं ओर मुड़ता है, तो किस ओर है तो ये आपका पक्का। बाएं बाएं बोले तो लेफ्ट सर। हाँ लेफ्ट। अब यहाँ पे आपका हो गया जय हिंद जय भारत। सर सर सुनिए ना सर। सर तो आंसर वेस्ट होगा ना। सर का क्लास होगा। इसलिए सर रिकॉर्डिंग थोड़ा भेज दीजिएगा, इसके पिछले वाला रिकॉर्डिंग थोड़ा भेज दीजिए सर। एक साथ सब बोले, सुनना है सर, एक साथ सर, शाम का क्लास होगा। अरे एक एक करके बोलो ना यार, एक साथ बोलोगे किसी का सर जवाब नहीं देगा। तो तुम नंबर बताओ। सर शाम को क्लास होगा। हाँ सर होगा। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए। सर जय हिंद जय भारत कर दीजिए सर। जय हिंद जय हिंद जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सॉरी।